हाय हेलो, कैसे हैं? गुड इवनिंग सब, ले लीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सब, ओके, ठीक। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ओवरव्यू ऑफ सिलेबस है। दो तीन चीज़ें मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। ख़ासतौर से ये वीडियो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए जो कि बीकॉम पार्ट वन में जाएंगे, ठीक। तो ख़ास तौर से आज की जो क्लास है वो जो है वो आपके ओवरव्यू ऑफ सिलेबस पे और हम कैसे कैसे चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। पहले हम अपने फीचर्स के बारे में बता दें, जैसा कि मेरा नाम किसले है। आप चाहें तो सर लगा लें, बहुत ही प्यारा नाम है, सर लगाना मैंडेटरी नहीं है। बेटा हमारे यहाँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल है, ठीक। ऑफलाइन तब जब ऑर्डर होएगा कोचिंग क्लासेस ओपन करने का, तब। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑफलाइन शुरू हुआ तो ऑनलाइन बंद हो जाएगा, नहीं, ऑनलाइन जैसे चलता था वैसे चलता रहेगा, ठीक। ये सारी फैसिलिटी हमारे ऐप जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, किसले कॉमर्स क्लासेस ऐप का नाम है, वहाँ पे सारी क्लासेस हमारी आपको मिलेंगी। आप मेरा यूट्यूब पे डेमो क्लासेस देखेंगे बीकॉम पार्ट वन की, उसके बाद आपने एडमिशन लिया, आपको नोट्स आपके एड्रेस पे कुरियर किया जाएगा। इवन आप जो बुक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो सजेस्टेड बुक्स हैं वो भी हम आपके एड्रेस पे कुरियर कर देते हैं, सारी फैसिलिटी है, ठीक। ऑनलाइन टीचिंग तब तक पॉसिबल नहीं बेटा जब तक कि आपको स्टडी मटेरियल आप तक ना पहुंचाया जाए। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं किसले कॉमर्स क्लासेस के बारे में। हमने बेटा गांव गांव तक नोट्स पहुंचवाया और इलाहाबाद में इकलौते ऐसे हम हैं जो आपके घर तक बेटा नोट्स कुरियर कराया है, इकलौते हम हैं, ठीक ठीक। फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब हम लोग बीकॉम पार्ट वन का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ट्रायल क्लास यूट्यूब चैनल पे दे रहे हैं, उसके बाद आप ऐप पे जाके सीक्वेंस में वन बाय वन लेक्चर्स के लिए आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, बट उससे पहले आपके लिए डेमो क्लासेस ओपन है सबके लिए, ठीक। तो सबसे पहले आपके बीकॉम पार्ट वन में बेटा मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख के भी ला सकता था लेकिन लिख रहा हूँ मैं, पार्ट वन में कितने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट कितने हैं। तो बेटा 6 सब्जेक्ट हैं टोटल, ठीक, 6 सब्जेक्ट हैं। पहला अकाउंटिंग, नाम इन्होंने रखा इसका एडवांस्ड अकाउंटिंग, एडवांस्ड अकाउंटिंग। सेकंड बिजनेस लॉ, थर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स, फोर्थ बिजनेस कम्युनिकेशन, फिफ्थ मनी बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज,
फॉरेन एक्सचेंज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये टोटल 6 पेपर हैं आपके बीकॉम पार्ट 1 में। एनुअल एग्जाम होता है, हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स होल्ड करता है, सारे पेपर के इक्वल वेटेज हैं 600। 60% लाने के लिए बेटा आपको 360 मार्क्स लेके आने होंगे, ठीक। अब अलग अलग टीचर्स में आपको पढ़ाएंगे, ठीक, अलग अलग टीचर है, ठीक। अभी बेसिकली मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बता दूं, बेटा जो एडवांस अकाउंटिंग है और जो मनी एंड बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज है, ये दोनों की क्लास मैं लेता हूं किसलिए, बाकी ये चार पेपर डिफरेंट टीचर आपको देते हैं, मैं ही सारे पेपर्स नहीं पढ़ाता, मैं केवल एडवांस अकाउंटिंग बेटा और मनी एंड बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज आपको लेके आऊंगा, ठीक। अभी मैं जो आपको डेमो दूंगा, अभी मैं एडवांस अकाउंटिंग के डेमो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके टोटल बीकॉम पार्ट 1 में कितने सब्जेक्ट हैं बेटा? 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और सबके 100 हैं, 360 चाहिए 60% के लिए, ठीक। यहाँ तक बात समझ में? ओके बेटा, ठीक। अब बेटा 2-3 मिनट मेरी बातें सुनिए, 2-3 मिनट मेरी बातें सुनिए। प्लीज सुनिए, ध्यान से सुनिएगा बेटा। आप बीकॉम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बेटा इसके साथ साथ आपको अपने टारगेट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, टारगेट गोल को भी ध्यान में रखना है। अब आपके टारगेट गोल डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे आप एक सिंपल सी बात है, मैं यहां पे एक छोटी सी चीज डिस्कस कर लूं फिर आगे बढ़ता हूं। जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि ये 21 ईयर की एज में टॉप किए आईएएस, 21 इयर्स की एज में वो टॉप किए आईएएस, हम सुनते हैं अक्सर कि फलाने, मतलब ये लड़का या ये लड़की 21 साल की एज में आईएएस टॉप करता है, फिर हम सोचते हैं कि भगवान उसको बना के भेजता है, तो हमें क्या किसी और ने बना के भेजा है क्या? सबको नेचर ही बनाता है, आपका वर्क आपके लिए तय करेगा आपका टारगेट। बात समझ में आ रही है? अब वो 21 साल में कैसे टॉप करता है? जिसको आईएएस बनना रहता है वो 11th से ही अपना टारगेट तय कर लेता है, 11th से ही अपना सब्जेक्ट उस तरीके से ऑप्ट करता है, फिर ग्रेजुएशन में भी ऑप्ट करता है उस तरीके से सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में। तो बेटा 11th और 12th कितने साल हो गए? 2 साल। ग्रेजुएशन कितने साल हो गए? 3 साल। पीजी कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। और पीजी करने के बाद आपकी एज 20-21 साल होती है, क्योंकि आईएएस 21 ईयर की एज में देना है आपको, ठीक, 21 साल की एज में देना है, ठीक है। तो बेटा 21 साल तक पहुँचते 2 साल आपके 11th 12th हो जाते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन हो जाता है, 2 साल पीजी हो जाता है, तो 2, 3, 5 और टोटल 7 साल वो देता है आईएएस को। वो उसके सोचने का तरीका है। हम तो 11th 12th में सोचते हैं, हम तो बच्चे हैं, अपने आप को बच्चा ही समझते हैं, ग्रेजुएशन में भी बच्चा समझते हैं, पीजी में बच्चा समझते हैं, कब 30 साल के हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, तब तक बच्चा ही समझते हैं। हमारे इंडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इंडिया में 30 साल के बाद लोगों को माना जाता है कि ये काबिल होएगा। वो चीज़ें छोड़ दो,
वो आज से 10 साल 20 साल पहले की थिंकिंग थी। तो हम ये जो सोचते हैं कि वो 21 साल में टॉपर हो गया, तो वो शुरू फाउंडेशन उसका 11th से होता है। मैं देखता हूँ 9th के बच्चे को लोग कोटा भेज दे रहे हैं, कोटा। तो बेटा अगर आपने बीकॉम के साथ कोई टारगेट गोल डिसाइड नहीं किया है तो आप 2 साल पीछे हो गए हैं, और आज कर लीजिएगा। अब मैं आपकी इसमें हेल्प कैसे कर सकता हूं? जैसे बेटा आपको क्या करना है, आपको सीए करना है, आपको सीएसएसईटी करना है, मतलब सीएस, आपको सीएमए करना है, आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपको अदर वन डे एग्जाम में जाना है, आपको प्रोफेसर बनना है, आपको टीचर बनना है। बनना क्या है सर? यही तो नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि क्या करें जिससे जल्दी सक्सेस हो जाएं। तो बेटा इन सभी चीजों के लिए, इन सभी चीजों के लिए, सारी चीजों के लिए हम हर वीकेंड एक जो है वीडियो लेके आएंगे, हर वीकेंड, जो आपके कैरियर पे होगा, कैरियर पे होगा। कैरियर का मतलब बेटा कि जैसे सीए के फेजेस कितने होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, कैसे एग्जाम होता है, क्या क्या सारी चीजें, जिससे आपको अपने टारगेट गोल को डिसाइड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हर वीकेंड आपको एक एक वीडियो मिलता रहेगा जो कि कैरियर एस्पेक्ट पे होगा, ठीक, कैरियर एस्पेक्ट पे, कि सीए कैसे बने, क्या गाइडेंस होना चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए, क्या क्या सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो मेरा ये कहना है बेटा केवल बीकॉम पे ना रहिए, बीकॉम के साथ साथ आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है। और ये नहीं सोचना अभी तो हम बीकॉम पार्ट वन में, कब पार्ट थ्री कंप्लीट हो जाता मालूम ही नहीं चलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस बात पर जरूर विचार करिएगा कि आपने अपने 11th 12th 2 साल आपने अगर टारगेट डिसाइड नहीं किया है तो आपने अपने 2 साल बर्बाद कर दिए। फिर आपकी जिंदगी वैसी है जैसे कटी पतंग। आप देखते हो आसमान से जो पतंग कटती है तो उसका पता नहीं रहता कहाँ गिरेगी, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, देखते हो बच्चे उसके पीछे भागते रहते हैं, हमको लगता है यहाँ गिरेगी कभी वहां गिरती। तो आप वैसे ही हो। तो अभी बेटा रिक्वेस्ट है आप अपने टारगेट गोल को डिसाइड करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मैं जगा रहा हूं आपको बस, ठीक है। और कैसे करेंगे उसके लिए मेरे हर वीकेंड में सैटरडे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यूट्यूब पे सेशन होगा कि इस कैरियर में क्या क्या होगा, ठीक। तो आज मेरा बीकॉम फर्स्ट ईयर में 2 बातें मेन है, फिर से मैं एक बार बता दूं। पहला कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टीचिंग देते हैं। ऑनलाइन में आपके घर तक स्टडी मटेरियल अपना कुरियर करते हैं, ठीक है। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस आपको मिलेंगी, कोई भी क्लास आपको ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। और बेटा तीसरी सबसे अहम बात हमने आपको बताई कि बीकॉम के साथ ही साथ आपको अपना टारगेट गोल भी डिसाइड करना है कि हमें आगे कहाँ पहुँचना है, ठीक। मंजिल डिसाइड होनी चाहिए, डेस्टिनेशन डिसाइड होना चाहिए, अदरवाइज फिर लाइफ का कोई मतलब नहीं। लाखों लोग पैदा होते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, नाम नहीं कमा पाते, कुछ ही लोग नाम कमाते हैं क्योंकि वो अपना टारगेट सेट करते हैं। तो आप भी अपना टारगेट सेट करिए, ठीक है। तो अभी मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आज मेरी 0 है, कल मेरा #1 आएगा, ठीक है। तो उसमें कुछ और नई बातें रहेंगी, ठीक है। तो एक बार बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मज़ा ज़्यादा दीजिए। थैंक यू सो मच।